हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू फाइन? आई होप यू विल लव टेक योर सेफ होम। आप घर पे होंगे तो स्टूडेंट्स सेफ होंगे। आई एम उषा टीचर। नाउ वी स्टार्ट मैथ मैजिक। टुडे स्टार्ट चैप्टर 6 फुटप्रिंट्स मीन्स पैरों के चिन्ह। क्वेश्चन 11, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर अस पर इंट्रोडक्शंस। ओके, आपको क्या करना बच्चों, चित्र में सूचना के अनुसार वस्तुएं आप लोग को जोड़नी है। ठीक है, देखो यहाँ पर वन नंबर, द गर्ल एंड मदर आर सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, क्या इसमें क्या पूछा गया, क्या कहा गया स्टूडेंट्स, एक लड़की और उसकी माता जी उसकी मम्मी के साथ कुर्सी पर बैठी हुई है। टू नंबर में, द गर्ल इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक। तो गर्ल है वो रीडिंग कर रही है, स्टोरी बुक रीडिंग कर रही है। थ्री नंबर में, द मदर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। जो मम्मा है वो मम्मा क्या कर रही है, रीडिंग ए न्यूज़पेपर, मीन्स वर्तमान पढ़ रही है, मीन्स जो पेपर आता है समाचार वो पढ़ रही है। ठीक है, समाचार पत्रिका। पॉइंट नंबर में, द गर्ल एंड मदर आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए टेबल। और वो जो लड़की है और जो मम्मी है, ओके, वो जो लड़की और मम्मी है जो टेबल के, ओके, जो मेज है, मीन टेबल को या मेज मेज की आमने सामने बैठी हुई है, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, फाइव नंबर में, ए डस्टबिन इज केप्ट बिसाइड द चेयर ऑफ द मदर। ओके, और क्या है बच्चों, जो मम्मी है, जो मम्मी की कुर्सी की बगल में क्या है, कूड़ादान पड़ा हुआ है, मीन्स क्या होता है, जो डस्टबिन, जो कचरे का जो जैसे डिब्बा होता है ना, उसे कहा जाता है कूड़ादान। सिक्स नंबर में है, ए बॉल फुल ऑफ फ्रूट्स इज केप्ट ऑन द टेबल। ओके, तो स्टूडेंट सिक्स नंबर में क्या है, ए मेज पर, मेज पर फलों से भरा हुआ एक कटोरा है। और सेवन नंबर में, फ्लावर वेस इज केप्ट बिसाइड द चेयर ऑफ द गर्ल्स। ओके, और लड़की की कुर्सी के बगल में फूलदान पड़ा हुआ है, मीन्स जो फ्लावर वेस है फूलदानी पड़ी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक मैंने कराया था आप लोग, वैसे इसमें भी करना है, द गर्ल एंड मदर आर सिटिंग ऑन द चेयर पर। तो आप लोग यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, एक चेयर ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पर चेयर करनी है, यहाँ पर मम्मी भी उसकी चेयर बैठी, यहाँ पर से चेयर ड्रॉ करनी है। एंड द गर्ल इज़ रीडिंग ए स्टोरी बुक। ओके, तो यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर स्टोरी बुक जैसे बनानी है आप लोग, एक गर्ल स्टोरी बुक कर रही है। द मदर इज़ ए स्टोरी न्यूज़, मदर इज़ ए रीडिंग न्यूज़पेपर, की मदर है वो न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही है। तो स्टूडेंट्स मैंने टेक्स्ट बुक में करा है, वैसे आप लोग इसमें देख के ड्राइंग करनी है। ठीक है, द गर्ल एंड मदर आर, तो यहाँ पर एक मेज़ बनानी, एक बड़ा सा टेबल बनाना है कि मम्मा की गर्ल उधर है और मम्मा इस तरफ ऐसे मेज़ के आमने सामने दोनों हैं। ठीक है, फिर डस्टबिन बनाना है मम्मी के पास, की मम्मी के चेयर के पास में एक डस्टबिन पड़ा, वो आपको करना है। एंड फिर क्या करना, ए बॉल फुल ऑफ द फ्रूट्स केप्ट, और एक बॉल एक कटोरा भरा हुआ पड़ा फ्रूट्स का, आई मीन जो एक बॉल बनाने, एक बड़ा सा कटोरा बनाना है उसमें जैसे कि फ्रूट्स पड़े हुए, जैसे एप्पल मैंगो बनाना है, ऐसे बना के आपको उस पर ड्राइंग करनी है टेबल के ऊपर। यहाँ बीच में एक टेबल कर देना, वहाँ पर एक बड़ा सा कटोरा करना है। ठीक है, उसमें फ्रूट्स को रखना है। सेवन नंबर, फ्लावर वेज इज केप्ट इन द बिसाइड द चेयर ऑफ द गर्ल। और जो फ्लावर वेज जो फूलदानी है ना, वो लड़की की कुर्सी के बगल में रखना है आपको स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग को ये मैं दे रही हूँ, आप लोग को होमवर्क में ये करना है। ठीक है, नाउ वी नेक्स्ट पैटर्न करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 12, काउंट एंड वराइट द नंबर ऑफ द शेप्स कलर द पिक्चर। ओके बच्चों, क्या करना है आपको, आकार को गिनना है, संख्या लिखनी है चित्र में और रंग भरना है। ठीक है, काउंट एंड आपको गिनना है और नंबर लिखना है, जो संख्या है जो आकार दिया गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल दिया गया। अब आप लोग को इसे भी जो दिए गए इसमें से क्या करना स्टूडेंट्स, काउंटिंग करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब काउंटिंग कर देखो, यहाँ पर ट्राइंगल का शेप देख सकते हो, ट्राइंगल कितना है, यहाँ पर ट्राइंगल ओनली फॉर वन दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखना है आपको ओनली फॉर वन। ठीक है, उसके बाद सर्कल काउंटिंग करना, सर्कल कहाँ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके स्टूडेंट्स, नहीं सॉरी इलेवन। तो टोटल सर्कल कितना है स्टूडेंट, सर्कल है इलेवन। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर काउंटिंग करें स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर वन, एक ये भी है वन, एंड टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल फाइव, ये नहीं, ये तो रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, तो फाइव शेप होगा हमारा स्क्वायर। अब हम रेक्टेंगल काउंटिंग करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये वन, ये जी दिख रहा है, ये वन, एक ये टू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक यहाँ पर ये रहा सेवन। तो टोटल रेक्टेंगल का शेप कितना हुआ, टोटल टोटल रेक्टेंगल शेप हुआ सेवन। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं ट्राइंगल है वन, सर्कल इलेवन, एंड स्क्वायर फाइव, एंड रेक्टेंगल सेवन। ओके, फिर टू नंबर में भी आप लोग देखो, ये देख सकते हो बच्चों, टू नंबर में भी आप लोग क्या करना है,
टू नंबर देख सकते, इसमें भी हमें काउंटिंग करके लिखना है। देखिए यहाँ पर सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स आप लोग को क्या करना है, काउंटिंग करके लिखना है। सर्कल काउंटिंग करो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर सर्कल यहाँ पर वन, ओके वन, उसके बाद है टू थ्री फोर, उसके बाद यहाँ पर नहीं स्टूडेंट, ओके तो सर्कल आएगा हमारा फोर, ओके उसके बाद स्क्वायर काउंटिंग करेंगे स्टूडेंट, तो स्क्वायर हमारे यहाँ पर देख सकते हैं ट्राइंगल शेप है। अब हमें स्क्वायर तो वन टू, ओके तो कितना है हमारा, ये स्क्वायर हमारा है टू। उसके बाद ट्राइंगल शेप काउंटिंग देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर, ओके उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर, इसके बाद फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ओके ट्वेल्व हो गया हमारा ये। इसके बाद क्या है ये थर्टी, तो टोटल कितना आएगा, ट्राइंगल शेप हमारा है थर्टी, तो आपको सीधा लिखना स्ट्रेट, ओके थर्टी। अब हमें करना है रेक्टेंगल, ओके स्टूडेंट्स हमें रेक्टेंगल काउंटिंग करना है, तो रेक्टेंगल यहाँ पर देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, तो रेक्टेंगल हमारा शेप कितना है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल हमारा है फाइव, ओके नाउ वी नेक्स्ट पे टर्न करेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर दिखा विच ऑब्जेक्ट हैव यू सीन सिमिलर टू द सरफेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, टीचर विल आस्क सच क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स एंड टेल देम टू नॉट इन द बॉक्स गिवन बिलो, ओके स्टूडेंट्स आप क्या करना, नीचे दी गई वस्तुओं को सतह जैसे आकार वाली कौन सी वस्तु तुमने देखी है, ऐसा विद्यार्थी से पूछकर शिक्षक पास वाले खाने में लिखेंगे और कल लिखने को कहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो जो आपने देखी है आप लोग यहाँ पे लिखना है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बी डबल एल बॉल, एस सी डबल एस सी एल स्केल, स्केल मिस मापट्टी एंड फ्लैग, फ्लैग मिस होता है ध्वजा, बुक मिस तो पता है, बुक मिस होता है किताब। अगर आपने बच्चों बॉल का शेप का देखा तो यहाँ पर आप लोग को इस बॉक्स में आप फिलअप्स करना है, स्केल फ्लैग एंड बुक, तो ये आप लोग को स्टूडेंट्स ये आप लोग को खुद करना है, ओके लेट्स डू स्टूडेंट्स आप लोग को खुद करना है। इसके बाद है टीचर विल टेल अ स्टूडेंट्स टू ट्रेस द गिवन ऑब्जेक्ट गिवन एंड स्पेस बिलो एंड टेल देम टू फिल देयर फेवरेट कलर, ओके स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको देख करना है बच्चों जो नीचे दी गई है वस्तु उसके पास में रखकर ऐसी वस्तु आपको बनानी है और बनाकर उसमें आपको कलर फिलअप्स करना है स्टूडेंट, तो ये भी आप लोग का ये होमवर्क है स्टूडेंट्स आप लोग को सेम बनाना है, ओके। फिर नंबर में टीचर विल टीच द स्टूडेंट्स टू मेक ए डॉग फ्रॉम जियोमेट्रिक सेप्स ऑफ पेपर, तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करना है, पेपर लेके आप देख सकते हो पहले डॉग को कैसे रेडी किया गया, पहले इसका ये जो क्या है बच्चों इसका ये माउथ आई मीन इसका फेस, ओके पहले फेस किया, उसके बाद देखो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर फिर देखो यहाँ पर ये इसका क्या है स्टमक का ये पेट का भाग, फिर यहाँ पर ये इसकी टेल इसकी पूछ बनाई गई क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आप लोग को भी पेपर लेके ये आपको कहाँ करना है अपने होम आपको घर पर ये बनाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैटर्न करेंगे स्टूडेंट्स लेट्स डू होमवर्क, ओके आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ द शेप्स कलर द पिक्चर्स, ओके बच्चों तो आपको क्या करना है, काउंट करना है और इन शेप्स को यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखना ट्राइंगल सर्कल स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ओके स्टूडेंट तो काउंट करना है, तो आप लोग देख सकते ट्राइंगल का शेप कितना है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर ट्राइंगल वन टू, ओके टू, उसके बाद कहाँ बच्चों यहाँ पर थ्री एंड फोर, तो ट्राइंगल का शेप कितना है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल का शेप हमारा है फोर। देन आफ्टर है सर्कल, सर्कल देखिए यहाँ पर सर्कल तो काफ़ी है ज़्यादा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन, तो सर्कल का शेप है स्टूडेंट्स फोर्टीन, ओके। उसके बाद स्टूडेंट देखना है स्क्वायर, तो स्क्वायर का शेप कितना है देख सकते हैं आप लोग, स्क्वायर का शेप यहाँ पे ये तो रेक्टेंगल है, ओके तो यहाँ पर ये वन टू, ओके वन टू थ्री, ओके वन वन टू थ्री एंड वन टू, फिर ये थ्री हो जाएगा, फिर ये फोर हो जाएगा, फिर फाइव, ओके सिक्स और सेवन, टोटल कितना हो स्टूडेंट्स सेवन स्क्वायर्स है। अब रेक्टेंगल का सेप काउंटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल है वन टू, फिर ये लंबा सा है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ओके ट्वेल्व थर्टीन
ओके स्टूडेंट, तो कितना होगा? रेक्टेंगल शेप होगा 13। क्वेश्चन टू में भी स्टूडेंट ऐसे करना है, हमें स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल काउंटिंग करना है। देख सकते हो स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्वायर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कहाँ पर है स्क्वायर, ये तो है सर्कल शेप है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी देख सकते हो स्टूडेंट्स आप लोग, अब स्क्वायर ये रहा, ठीक है, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 एंड 5, ओके, तो 5 शेप हो गया हमारा स्क्वायर। ट्राइंगल शेप है, यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4, ओके, 3 4 5 6 7, ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके, तो 7 शेप हो गया हमारा ट्राइंगल से। उसके बाद है सर्कल स्टूडेंट, तो सर्कल देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो सर्कल शेप हो गया हमारा 6, ओके। अब रेक्टेंगल काउंटिंग करेंगे, रेक्टेंगल हमारा यहाँ पर है 1 2 3 4 5, ये हमारा ये है 6 स्टूडेंट, तो टोटल कितना हमारा 6 रेक्टेंगल से। नाउ नेक्स्ट पैटर्न करेंगे स्टूडेंट्स, ड्रॉ द पिक्चर एंड कलर अस पर इंट्रोडक्शन, ओके, तो आपको देखो कलर का इंट्रोडक्शन दिया गया, उसके बारे में जानकारी दी गई स्टूडेंट्स, आई मीन ये जो शेप दी गया है, शेप को कलर कैसा करना है, जैसे इसमें कलर बताएगा, देखो तो आपको रेक्टेंगल में ग्रीन करना है और येलो में ट्राइंगल करना है एंड ब्लू स्क्वायर में करना है, रेड सर्कल में करोगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये भी मैं आपको ये जो स्टेप्स जितने बनाने हैं आप लोग खुद ही मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग को सेम यहाँ पर ऐसा ये ड्रॉ करना है और यहाँ पे जो कलर्स दिए गए आप लोग इससे कलर फिलअप्स करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैटर्न करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज में हमारा चैप्टर 7 हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट तो चैप्टर 6 कंप्लीट वर्क बुक एंड टेक्स्ट बुक स्टूडेंट, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को ये जो दिया गया है ना आप लोग को ड्रॉ द पिक्चर एंड कलर से इंट्रोडक्शन, आपको ये होमवर्क में दिया मैंने, और बाकी जो मैंने आगे पेज आप लोग को दिए स्टूडेंट्स आप लोग को करना है आपको ये होमवर्क में, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ आपको करनी है इस बुक्स में और यहाँ पर ये ड्रॉ करना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है सब आपका ये होमवर्क, ठीक है। अब आगे चैप्टर 7 लर्न बाय हार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।